हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और ये देखिए, हमारी जलेबी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज हम मात्र 10 मिनट में घर के इंग्रेडिएंट से इंस्टेंट कुरकुरी और टेस्टी जलेबी बनाएंगे, जो मार्केट से भी बहुत अच्छा बनेगी। और आप अगर इसे अपने घर में बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए इस इंस्टेंट जलेबी को बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। जलेबी बनाने के लिए हम बर्तन लेंगे और इसमें 1 कप सूजी डालेंगे। सूजी में 1/2 कप दही डालेंगे। यहाँ मैंने खट्टे वाले दही का यूज़ किया है। और इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर हम सूजी और दही को चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे बैटर में एक भी लम्स ना रहे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सूजी को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लिया है और बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप येलो फूड कलर डालेंगे। आप इसकी जगह नारंगी या ऑरेंज फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। कलर डालकर हम बैटर में इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे या मिक्स कर लेंगे। बैटर को ढक कर 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे या इसे अच्छे से सेट होने देंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1 कटोरी या 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी डालकर हम इसमें 1/2 कप या थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे चाशनी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। पानी डालकर मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए हम अच्छे से मिला लेंगे। चाशनी को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। और ये देखिए, चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखिए, चाशनी हमारी अभी पतली है। हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पका लेंगे, जिससे चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। हमें इसमें तार नहीं बनाना है, क्योंकि हम सूजी का जलेबी बना रहे हैं। सूजी चाशनी को सोख लेगा। और ये देखिए, चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है। हमें इसे इतना ही पकाना है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए अब हम बैटर को देख लेते हैं। ये देखिए, बैटर हमारा तैयार हो गया है और बैटर हमारा पहले से गाढ़ा हो गया है। हमें बैटर में और पानी नहीं डालना है। और ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर बैटर में डालकर हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जलेबी बनाने के लिए बैटर हमारा तैयार है। और अब हम एक गिलास लेंगे और इसमें खाली वाला इस तरह का दूध का पैकेट डालेंगे। यहाँ मैंने दूध के पैकेट को अच्छे से धो कर सुखा लिया है। इस तरह दूध का पैकेट आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा। और हम इसे अच्छे से गिलास में इस तरह सेट कर लेंगे। और चलिए अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर को हम अच्छे से पैकेट में फील कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने बैटर को अच्छे से भर लिया है। और अब हम बैटर को इस तरह पैकेट में अच्छे से रबर बैंड से अच्छी तरह पैक कर लेंगे या बंद कर लेंगे, जिससे बैटर हमारा ऊपर की तरफ से बाहर नहीं निकलेगा। और ये देखिए, बैटर को यहाँ मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। और चलिए अब हम इसका जलेबी बनाएंगे। जलेबी बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन में तेल डाल के इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है। और ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम जलेबी बनाने के लिए बैटर वाला कोन लेंगे और बैटर वाला कोन को इस तरह सीजर से कट कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम कर ले और मीडियम फ्लेम पे इस तरह गोल घुमाते हुए हम जलेबी बना लेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो 1 से 2 बार में आपको जलेबी बनाना ईजिली इस तरीके से आ जाएगा। और पैन में हम थोड़ा थोड़ा जगह छोड़कर इस तरह से गोल घुमाते हुए जलेबी बना लेंगे। पैन में जलेबी बनाते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, जिससे हाथ हमारे जलेंगे नहीं और आप इजीली मिनटों में ढेर सारी जलेबी बना सकेंगे। पैन में जलेबी डालकर हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। जलेबी को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है। और अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे। आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, जलेबी हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है।
और तेल में बबल्स आना बंद हो गया है। इसका मतलब है कि जलेबी हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है और अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। गरम जलेबी को ऑयल में से निकाल कर हम डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डालकर हम इसे अच्छे से चम्मच से जलेबी को अच्छे से चाशनी में मिला लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए चाशनी में ही रहने देंगे। जलेबी को चाशनी में अच्छे से डुबा देंगे और अब हम बाकी बचे बैटर का भी जलेबी बना करके सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। जलेबी हमारे फ्राई हो रहे हैं और चलिए अब हम चाशनी में से जलेबी को प्लेट में सर्व कर लेंगे। और ये देखिए, मिनटों में हमारा बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल जलेबी बनके तैयार हो गया है और इसका स्वाद बाहर के जलेबी से भी बहुत ही अच्छा और लाजवाब होता है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।